हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, तो मैं पहले ही सीरियसली बोल दूँगी, अगर आपको मेरा वीडियो लाइक करना है करिए, शेयर करना है करिए, नहीं करिए। बट जो मैं आज बताने जा रही हूँ इसके लिए आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। आज हम बात बताने जा रहे हैं जो हमारे यहाँ त्योहारों में बहुत सारी लोग गलतियाँ करते ही करते हैं, खास करके रक्षाबंधन में ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन गलतियों का परिणाम बहुत बुरा होता है, इन गलतियों का परिणाम जो होता है वो इतना ज़्यादा भयानक होता है। आखिर हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे धर्म जो हमें सीख देकर गए हैं वो ऐसे ही तो रही नहीं होगी, उसका कोई ना कोई वजह तो ज़रूर रही होगी। इसी वजह से हमारे ग्रंथ बने हैं, हमारी सभ्यताएं बनी हैं, हमारे धर्म बने हैं और हमारे बहुत सारे कल्चर बने हैं। तो आप उन्हें अगर पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते तो पूरी तरह से उनको निग्लेक्ट भी मत करिए, उनको ध्यान में रखिए अपने। तो उसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन के त्यौहार में ऐसा क्या है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसको करने से आपको उसके परिणाम, उसके मतलब फ़ायदा तो कुछ होगा नहीं, लाभ तो कुछ मिलेगा नहीं, बट उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे दुष्परिणाम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कैसे अपने भाई और बहन के रिश्ते में जो आप पवित्रता लाना चाहते हैं, जो प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, वो कहीं किसी मतलब समस्या में ना बदल जाए, समस्या में ना परिवर्तित हो जाए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। रावण की बहन कहा गया है, रावण की बहन ने राखी जब उसको बांधी थी तो कुछ ग्रंथों का हेर फेर था, जो कि जिसकी वजह से रावण को अजय, एक तरीके से अजय का ही वरदान था, बट उसको राम के द्वारा हार प्राप्त हुई थी। तो इन सब चीज़ों का आप होलिका और प्रह्लाद का ले लीजिए, उसको भी तो ना जलने का वरदान था, बट कुछ कर्मों की वजह से, उनके कर्मों का जो फल होता है वो, अगर आपके मन में यह है शंका है कि नहीं आप ठीक है ना, नॉर्मल ही है, सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं, तो ऐसे ही नहीं होती हैं। हर चीज़ का एक अर्थ का, हर एक अर्थ का अनर्थ भी होता है और अर्थ भी होता है, हर एक चीज़ की वजह भी होती है और उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। जैसे आप कोई मेडिसिंस लेते हो तो मेडिसिंस का मतलब हर एक मेडिसिंस का अगर इफ़ेक्ट है तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। सर दर्द की दवा आपको गैस बनाती है, तो अगर आप मतलब कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके परिणाम जानकर ही उसको करें और उसको पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी में लागू करें। तो इसी विषय में हम आज बात कर लेते हैं कि हमें क्या ऐसा है जो रक्षाबंधन में नहीं करना चाहिए। सबसे पहली समस्या जो इस बार रक्षाबंधन पे है, और इस बार नहीं कई बार रक्षाबंधन पे है, वो है भद्रा की समस्या, कि इस बार भद्रा काल जो है वो रक्षाबंधन वाले दिन यानी 30 तारीख को पूरे दिन हावी है। आपको ऐसे कभी भद्रा सुनने को नहीं मिलता होगा, पर रक्षाबंधन के दिन ये ज़रूर सुनने को मिलता है। भद्रा काल में रावण की बहन ने रावण को राखी बांधी थी, जिसकी वजह से रावण की मृत्यु निश्चित हो गई थी। तो पहली जो गलती है वो यही है कि आप दूसरे के देखी देखा ना करें। आपको रक्षाबंधन 30 तारीख को नहीं मनाना है। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, आपका भाई कहीं जा रहा है या बहन कहीं जा रही है, तो रक्षाबंधन आप रात में 9 बजे के बाद मनाएं, लेकिन वह भी फलस्वरूप नहीं होगी, क्योंकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से बिना किसी पूजा पाठ को विधि विधान से संपन्न किए हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। तो अगर आप रक्षाबंधन बिना पूजा के, बिना उसके, क्योंकि दिन में पूजा का विधान तो सुबह का है, अगर आप रात्रि में 9 बजे राखी बांध रहे तो आप पूजा नहीं कर सकते। तो बिना पूजा की अगर आप राखी बांधोगे तो उसका कोई विशेष फल नहीं आपको होने वाला है। तो आप पहली चीज़ तो भद्रा के दिन बिल्कुल ना बांधें, आप 31 तारीख को राखी मनाएं, रक्षाबंधन 31 तारीख को आप मनाएं, सुबह 7:30 बजे जल्दी उठकर आप पूजा कर दें। अगर आपको कहीं जाना है या कोई आने वाला है आपके यहाँ, वो सुबह 7:30 बजे नहीं उपस्थित हो पा रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके नाम की राखी भगवान जी को चढ़ा दें। जब वो आता है तब आप भगवान जी के पास से प्रसाद स्वरूप वो राखी लेकर आप उसके हाथ पर, कलाई पर वो राखी बांध सकते हैं। तो ये काम आपको सुबह 7 बजे से पहले, 7:30 बजे से पहले आपको ये काम कर लेना है, तो आप शुभ मुहूर्त में भी राखी का पूजन कर पाएंगे और भद्रा काल से भी बच पाएंगे। दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप गिफ्ट्स देते हो भाई बहन का प्यार दर्शाने के लिए, आप गिफ्ट्स देते हो, तो उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है, आप बहन को कोई वचन दें, वो बहुत अच्छी बात होती है, आप उसको कोई प्रॉमिस करें। और दूसरी चीज़, आप उसे कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा हमारे यहाँ
धर्म ग्रंथों हर चीज़ में शुभ और पवित्र मानी जाती है। आप गिफ्ट देना चाहते हैं, दीजिए, बिल्कुल दीजिए, पर ध्यान रखें गिफ्ट में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिनके परिणाम बहुत दुखदाई होते हैं। जैसे कि आपको गिफ्ट स्वरूप में चप्पल भेंट नहीं करनी है। चप्पल किसी भी प्रकार की हो, सैंडल हो, जूता हो, कुछ भी हो, आपको चप्पल भेंट नहीं करनी है। दूसरी चीज़, आपको लोहे की सामान गिफ्ट नहीं करनी है। हो सके तो आप लोहे की सामान को अवॉइड करें। अगर लोहा आप अवॉइड नहीं कर सकते तो नुकीली सामान को अवॉइड करें। नुकीली सामान में जैसे कि सुई से बनी हुई कोई चीज़ हो गई, मेकअप किट आप मत दीजिए क्योंकि उसमें पिंस वगैरह होती हैं, तो आप मेकअप किट नहीं मत दीजिए, या फिर आप दीजिए तो उसमें सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट हो, मेकअप टूल्स ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आप मिक्सर मत दीजिए क्योंकि वो कटीला और नुकीला होता है। आप होम अप्लायंस नहीं दे सकते कोई से भी। होम अप्लायंस में आप टीवी वगैरह दे सकते हैं, बट जैसे ओवन हो गया और चॉपर वगैरह हो गए, ये आप मत दीजिए। और तीसरी चीज़, आप कोई भी अगर खान पान की सामान दे रहे हैं तो ऐसा आप कुछ भी ना दें जिसमें नमक युक्त हो। नमक युक्त सामानें आप ना दें। इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, हाँ, और काले वस्त्र भी आपको भेंट नहीं करने हैं। काले वस्त्र या काली कोई भी सामग्री आपको भेंट नहीं कर रही हैं, अपनी बहन को तो खास करके भी नहीं। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ थी जो हमें आप तक पहुँचानी थी। अगर आप भी इससे सहमत होते हैं और आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। तो हम ऐसी और जानकारी आप तक लेकर पहुँचते रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल, गुड नाइट, सब्बा खैर, जो जो मुझे आता था मैंने बोल दिया। बाय।